आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। क्या यहाँ पे संस्था में क्या बांटा जा रहा है, क्या मिल रहा है, किस टाइप के लोगों को? ये सहयोग हम लोग कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो लाचार हैं, जिनके रोज काम करने वाले होते थे, जैसे मोची हो गया, जो रेहड़ी पट्टी का काम करते थे, लेकिन इस समय उनको रोजगार नहीं मिल रहा, तो उनको खाने की दिक्कत हो सकती है। इसलिए प्रधानाचार्य जी द्वारा सोचा गया कि थोड़ा थोड़ा सामान इनको दिया जाए और जहाँ तक संभव हो उनके घर तक पहुँचाया जाए। किस तरीके से मदद करी जा रही है, उसमें क्या क्या दिया जा रहा है, क्या सामान मिल रहा है? आटा है, 5 किलो आटा है, 5 किलो आलू है, 3 किलो प्याज है और 100 रुपये नगद नमक तेल के लिए, मसाले के लिए। इस लॉकडाउन में आप देख रहे होंगे कि जो महामारी चल रही है, तो ये जो सर ने आपके प्रधानाचार्य जी ने जो मदद करी है, ये लगभग कितने लोगों की वो मदद कर रहे हैं रोजाना के तहत? कम से कम 100 लोग हैं। 100 लोगों की लगभग मदद कर रहे हैं, जिसमें आपके साथ कौन कौन शामिल हैं? हमारे प्रवक्ता सुनील यादव और हमारे सहयोगी सतीश चंद्र यादव, अरविंद सैनी, एन के मिश्रा, हरिचंद भैया और ये रघुवीर, पीयूष शुक्ला, विमल उपाध्याय, हरिनाथ जी। लगभग अभी ये जो योजना चलाई गई है गरीबों और असहायों की मदद के लिए, खाने पीने की, कच्चा राशन बांटा जा रहा, वितरण हो रहा, ये अभी लगभग कितने दिनों तक ये जारी रहेगा? अभी बता नहीं सकते, 2-4 दिन तो रहेगा जी। तो ये जो सेवा निरंतर जारी है, इसके पहले पिछले लॉकडाउन में भी क्या सर मदद मिली है लोगों को? जी जी, किया गया था, उसमें भी कच्चे राशन की सर व्यवस्था थी। ये इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का सर पालन हो रहा है पूरा? बिल्कुल, आप देख लीजिए जी। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बने रहें हमारे साथ।